Hello students, myself Dr. Nisha Jain, Vidhalan Cleavage chapter हम कर रहे थे, इसी का part 2 आज मैं continue करूँगी, BSc part 1 zoology का paper 3, gamete and developmental biology, परिवर्धन जैविकी, section B का chapter 1 cleavage हम already start कर चुके हैं, इसी का part 2 आज मैं continue करूँगी. हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रकार. अगर ब्रॉडली हम बात करें विदलन के प्रकार के बारे में, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमेर, दो प्रकार के विदलन होते हैं. एक को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट एंड दूसरे को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज. अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, पिट का अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तो हम कह सकते हैं दो प्रकार का क्लीवेज होता है. एक को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरे को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी दो प्रकार के होते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होलोब्लास्टिक. जबकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज भी दो प्रकार के होते हैं, डिस्कॉइडल क्लीवेज एंड सुपरफिशियल क्लीवेज. हमने बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज. अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की. अगर हम डिटर्मिनेट क्लीवेज की बात करें, तो जो डेवलपमेंटल फेट ऑफ ईच एम्ब्रियोनिक सेल इज एस्टैब्लिश्ड वेरी अर्ली. इफ अ सेल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फोर सेल स्टेज, द एम्ब्रियो विल नॉट फुली डेवलप. दिस इज बिकॉज द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेर इज प्री डिटर्मिन इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ. Whereas in indeterminate, early embryonic cells retain capacity to develop into a complete embryo if isolated from other cells. Cleavage produces blastomeres which are qualitatively equipotential or totipotent. कहने का मतलब ये है कि determinate cleavage के अंदर जो blastomere का fate होता है वो पहले से decided होता है. मतलब ये ब्लास्टोमेर आंख बनाएगा और ये ब्लास्टोमेर नाक बनाएगा. लेकिन इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर ब्लास्टोमेर का जो फेट होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है. कभी भी कोई भी ब्लास्टोमेर कुछ भी बना सकता है इस केस के अंदर. सिमिलरली होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कौन सा होता है जिसके अंदर की क्लीवेज फरो बाइसेक द एंटायर एग. पूरे एग का जब डिवीजन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज. जबकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर क्लीवेज फरो जो है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्टिव साइटोप्लाज्म फाउंड ईदर इन द एनिमल पोल और सुपरफिशियली सराउंडिंग द एग. इक्वल होलोब्लास्टिक, अगर microlacethal and isolacethal cleavage leads to the formation of blastocyst of equal size, amphioxus or placental mammals में देखा जाता है. जबकि unequal holoblastic जो है इसमें mesolacethal and telolacethal egg में पाया जाता है. इसके अंदर blastomeres जो होते हैं they are of unequal size. उसमें equal size के होते हैं, इसमें unequal size के होते हैं. Among the blastomeres there are many small size micromeres and large size are macromeres. और meroblastic में the cleavage furrow are restricted to the cytoplasm part only. Discoidal, since the macrolecithal eggs contain plenty of yolk, the cytoplasm is restricted to the narrow region in the animal pole. Hence, cleavage furrow can be formed only in the disc-like animal pole region. Such a cleavage is called as discoidal meroblastic cleavage. Or superficial cleavage ke andar central lecithal egg ke andar paya jata hai. और जो क्लीवेज है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल इन इंसेक्ट्स. इसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हम बात कर रहे हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें कि क्लीवेज फरो जो है वो कंप्लीट होती है. रेडियल, एकाइनोडर्म और ये आइसोलेसिथल एग में पाया जाता है. और इसमें कौन कौन सा, रेडियल, स्पायरल, बायलैटरल, रोटेशनल, चारों तरह की वो होती है. अब आप ये देखिए, रेडियल, स्पायरल, बायलेटरल एंड रोटेशनल. स्पायरल किसमें है, फ्लैटवर्म्स में. बायलेटरल किसमें पाई जाती है, ट्यूनिकेट्स में. और रोटेशनल किसमें पाई जाती है, मैमल्स और निमेटोड्स में. और मीजोलेसिथल रेडियल और एम्फीबियंस के अंदर.
मीरोप्लास्टिक क्लीवेज के अंदर आप देखिए ये सुपरफिशियल होता है ना, बायलेटरल और डिस्कॉइडल इसके अंदर होता है, सेफेलोपोड्स मोलस्का के अंदर और फिश और रेप्टाइल बर्ड्स के अंदर देखिए ऊपर से केवल ओनली एट वन पार्ट दिस दीज ब्लास्टोमियस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नॉट इन द एंटायर एग, ठीक है, और डिस्कॉइडल के अंदर ओनली एट वन पार्ट, वन पार्ट में ये पाया जाता है। अगर हम बात करें सेल क्लीवेज की, मैंने बताया आपको सेल क्लीवेज दो है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज प्लेन पास ऑल द वे थ्रू द सेल, अकर्स इन आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल जायगोट्स, और मीरोब्लास्टिक के अंदर क्लीवेज प्लेन्स डू नॉट पास थ्रू डेंस योग, सो ब्लास्टोमियर्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। अब आप ये देखिए आइसोलेसिथल एग, मीजोलेसिथल एग, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग, राइट, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है जैसे कि सी अर्चिन के अंदर, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है मीजोलेसिथल के अंदर फ्रॉग के अंदर, इसके अंदर डिस्कॉइडल क्लीवेज हो रहा है बर्ड के अंदर, और इसके अंदर सुपरफिशियल क्लीवेज होता है इंसेक्ट के अंदर। आप ये देखिए एक एक क्लीवेज को आप देखिए, होलोब्लास्टिक फॉर्मिंग ऑल ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ सेम साइज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसके अंदर माइक्रोमियर एंड मेगामियर का फॉर्मेशन, डिस्कॉइडल ओनली एट डिस्क द डिविजन इज देयर, सुपरफिशियल क्लीवेज केवल बाहर बाहर, देखिए आप केवल बाहर बाहर ये जो है सेल्स का डिविजन हुआ है, डिस्कॉइडल के अंदर केवल एक पार्ट के अंदर डिस्क में ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हुआ है, होलोब्लास्टिक के अंदर आप ये देखिए माइक्रोमियर और इसके अंदर मैक्रोमियर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ऑल आर ऑफ इक्वल ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। वेजिटल पोल इज द एंड विद द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यू, ये एक्चुअली मैंने बताया एनिमल एग के अंदर एक एनिमल पोल होता है और दूसरा वेजिटल पोल होता है। वेजिटल पोल कौन सा होता है, जहाँ पर कि योग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमें एग के लिए बोलें कि एनिमल पोल कौन सा है, वेजिटल पोल कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर योग है वो वेजिटल पोल है और जहाँ पर योग नहीं है वो एनिमल पोल है। अब कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं क्लीवेज के दौरान, सिग्निफिकेंट केमिकल चेंजेस इन फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग क्लीवेज, इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल, न्यूक्लियर मटीरियल जो है क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द डीएनए जो होता है वो इंक्रीज होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ क्लीवेज की बात करें तो इसमें टू मैकेनिज्म होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, इन द मियोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस द मैकेनिकल एजेंट कैरियोकाइनेसिस इज द माइटोटिक स्पिंडल व्हिच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इन टर्न दे फॉर्म ट्यूबुलिन सब यूनिट्स, और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म व्हिच लीड्स टू द एक्चुअल सेल डिवीजन। ये देखिए ये तो फाइबर्स का डिवीजन हो रहा है और ये सेल का डिवीजन हो रहा है। लॉज ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज विदलन के नियम कौन कौन से हैं, सैचेस लॉ 1877, सेल डिवाइड्स इन अ प्लेन विच इज एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ प्रीवियस डिवीजन, हार्टविक्स लॉ कहता है 1881 का द डिवीजन इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स, फ्लूजर्स लॉ कहता है द माइटोटिक स्पिंडल इलोंगेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस, और बॉलफोर्स लॉ कहता है 1885 के अंदर द रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द योग, मोर इज द योग लेस इज द लेट रेट ऑफ क्लीवेज, अगर योग ज्यादा होगा तो जो क्लीवेज होगा वो धीरे होगा। विदलन का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम बात करें विदलन का महत्व, क्लीवेज इज द प्रोसेस थ्रू विच अ सिंगल सेल जायगोट विट कन्वर्ट इंटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, इट कन्वर्ट्स जायगोट इनटू कॉम्पैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स कॉल्ड मोरूला फ्रॉम विच द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, इट प्रिपेयर्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू अंडरगो फर्दर डिफरेंशिएशन प्रोसेस, क्लीवेज लेज डाउन द ओरिएंटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, and you know the cleavage result into
ब्लास्टुलेशन, जिसको हम बोलते हैं कोरक भवन। आपको दिख रहा है ये ब्लास्टुला, इसके अंदर सेंटर के अंदर ये ब्लास्टोसील कैविटी है। व्हाट इज ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन क्या है? ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मोरूला बिकम ब्लास्टुला विच गिव राइज टू अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अ ब्लास्टुला इज द राउंड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ब्लास्टोडर्म विच कंटेन्स अबाउट 70 to 100 ब्लास्टोमियर्स एंड इट बिगिन्स टू डेवलप अ डिफाइंड स्ट्रक्चर इन विच द सेल डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट लेयर्स। ब्लास्टुला सेल अरेंज टू फॉर्म ए आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। दिस लेयर विल इवेंचुअली फॉर्म द प्लेसेंटा विच अटैचेस टू द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर। ब्लास्टुलेशन कैसे हो रहा है, ये देखिए क्लीवेज हुआ, खूब सारे ब्लास्टोमियर्स बने, छोटी सी कैविटी डेवलप हुई और इसके अंदर एक बहुत बड़ी कैविटी डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और इस तरह से क्लीवेज से, मोरूला से, ये मोरूला है और ये ब्लास्टुला बन गया, ये मोरूला है और ये ब्लास्टुला जिसके अंदर की ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टुला चार प्रकार का होता है, सीनोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला एंड पेरिब्लास्टुला। व्हाट इज सीनोब्लास्टुला? Formed from isolecithal eggs that undergo radial cleavage. Discoblastula formed from uroblastic cleavage, disc ke upar. Periblastula formed from centrolecithal eggs and stereoblastula formed from spiral cleavage. चारों तरफ के blastula नजर आ गए आपको? Blastula forms the gastrula. That is, इसको हम बोलते हैं the process of conversion of blastula into gastrula is called as गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला भवन। ये है ब्लास्टुला जिसके अंदर ये ब्लास्टोडर्म है और ये ब्लास्टोसील है, ये बन गया ग्लास्ट्रोसील और ये बाहर की लेयर्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। व्हेन दीज थ्री लेयर्स आर फॉर्म एंड अ ब्लास्टोपोर इज फॉर्म देन इट इज टर्म्ड एज गैस्ट्रुलेशन। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? Process where implanted blastula form three germ layer. Kaun kaun si germ layer? Ectoderm, mesoderm and endoderm. Ectoderm is the outermost layer, mesoderm is the middle layer and endoderm is the innermost layer. This is the process how this blastula is converting into gastrula. Yolk sac, hypoblast and epiblast, inner small mass, amnion. This is the blastocoel. This is the primitive streak formation. Now here the endoderm and ectoderm formation has occurred and mesoderm has formed. Now ectoderm, mesoderm and endoderm has formed. It means three layers are formed and gastrula formation has completely taken place. So this is all cleavage, blastula and gastrula. This finishes your chapter cleavage, vidalan, जिसको हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया है। हमने पहले cleavage पढ़ा, थोड़ा सा आइडिया हमने ब्लास्टुला और थोड़ा सा आइडिया हमने गैस्ट्रुला का लिया। इस चैप्टर को मैं यहीं खत्म करती हूँ, एक नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।